हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टिकी एप्लीकेशन पर आप फोटो से वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गैस, जैसा कि आप लोग को टिकी जो एप्लीकेशन है वो अभी न्यू है, बट आप लोग उस पर उसको मतलब कि ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस पर आप सोच रहे हैं कि कैसे उस पर फोटो वाले वीडियोस कैसे क्रिएट किया जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप आसानी से टिकी एप्लीकेशन पर फोटो से वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट गाइस, अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। अगर वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में आकर टिकी एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे करो रोल करना है, उसके बाद ओ वाला जो टिकी एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का देखिए इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं, बट आपको यही वाला टिकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कर लेने के बाद अगर पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इस तरह से कुछ, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ओपन करना है। तो चलिए, मैं टिकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहले से रखा है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने टिकी एप्लीकेशन को ओपन किया, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा साउंड को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें म्यूजिक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाता है। तो आपको क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन, मतलब कि आपको पहले क्या कर लेना है, अपने टिकी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लॉगिन करना है, यानी अपना आईडी क्रिएट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने आईडी नहीं क्रिएट किया है। देख सकते हैं अभी मतलब कि अभी मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा है। इस तरह से आपको आईडी को क्या कर लेना है, साइनअप कर लेना है। उसके बाद जब आप आईडी को साइनअप यानी अकाउंट बना लेंगे टिकी एप्लीकेशन में, तो उसको बाद क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली अगर चाहें तो वीडियो को शूट करके फोटो मतलब कि क्लिक कर करके आप फोटो से कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, गैलरी में चले आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा है अपलोड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दो को कैटेगरी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको वीडियो मिल रहा है, यहाँ पर फोटो मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जितने भी फोटो आपके गैलरी में होंगे वो दिखने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, तीन चार फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं फटाफट तीन चार फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इस प्रकार से तीन चार फोटो को सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप जूम करके देख भी सकते हैं। इस तरह से चलिए मैं फटाफट फोटो को सेलेक्ट करता हूँ, एक थोड़ा ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने चार फोटो को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है मिला, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा, मतलब कि इंपोर्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका फोटो चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर देखिए आपको दिखाई रहा है कि अपने फोटो में कुछ इफेक्ट और फिल्टर यूज करना है और म्यूजिक भी। तो आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए इसमें बहुत सारे म्यूजिक अवेलेबल हैं जिसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको फाइल में म्यूजिक है तो आपको रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट म्यूजिक पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रिसेंट वाले पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अगर म्यूजिक को फेवरेट करके रखे हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी जैसे म्यूजिक को फेवरेट करके रखा जाता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्रॉप कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट का अगर चाहते हैं तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो आपको इफेक्ट दिख रहा है उसको आपको थोड़ा सा इसे टच करके रखने, इस तरह से देखिए इस जो चाहे आपको मनपसंद अच्छा लगे उसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद उसके बाद आपको डन कर देना है। अगर इसमें फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो चाहे फिल्टर को यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो सेचुरेशन है घटा बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कवर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कोई भी मतलब कि इस तरह से आपको कवर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल वाइटल लिख ले रहा है और हैशटैग का यूज करके उसके बाद आपको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है, जिससे का आपका जो फोटो वाला वीडियो हो वो टिकी एप्लीकेशन पर पोस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।